वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू साउथ इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फॉर द ब्रेकफास्ट। ये है, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वेजिटेबल उत्पम। मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। सूजी आपको चाहिए होगी, दही चाहिए होगा, कटे हुए प्याज आपको चाहिए, कटे हुए टमाटर, अदरक, मिर्ची मैंने काट के रख ली है। वेजिटेबल्स में मैं गोभी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और उनको बारीक बारीक काटना है। तेल चाहिए होगा आपको, आपको मसालों में चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी और आपको राई जरूर चाहिए होगी इसके लिए। आगे का प्रोसीजर बता देती हूँ। पहले आपने तवे पे ऑयल डाल देना है 2 या 3 टेबल स्पून और गर्म होने को रख देना है। जब तक ये गर्म होता है हमने क्या करना, एक बाउल ले लेना है, उसमें हमने इस तरह से सूजी डाल देनी है और अब हम इसमें दही मिक्स कर लेंगे। दही अपने अकॉर्डिंग मिक्स करें, दही डालने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि सूजी आपकी फूल जाए। इसको अच्छे से आपने फेंटना है। ज्यादा गाढ़ी पेस्ट नहीं करनी है और ना ही ज्यादा पतली पेस्ट करनी है। इसमें वेजिटेबल्स डालने हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अदरक, ऑनियन आपको डालनी है, मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल लें और टमाटर बारीक कटे हुए। फिर आपको इन सबको मिक्स करना है अच्छे से और अब आप इसमें नमक स्वाद अनुसार, आपकी हल्दी, हल्दी अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो आपकी अपनी चॉइस है, लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालो, राई आपने जरूर डालनी है, राई बहुत जरूरी है इसके लिए इस तरह से। और अब हमें इसे फेंटना है अच्छे से मिक्स कर। अब देखिए ये पेस्ट आपकी गाढ़ी हो गई है, इतनी गाढ़ी नहीं रखनी है हमें, ये थोड़ी सी और पतली करनी है, तो मैं थोड़े से वाटर ऐड करके इसे पतला करूंगी। तो ये मैंने इसमें वाटर मिक्स कर लिया है, ना आपकी ये बैटर है ना ज्यादा पतली होनी चाहिए और ज्यादा ना ज्यादा मोटी। थोड़ी सी मैं सूजी मिक्स कर रही हूँ इस तरह से, आपको इस तरह से और खूब फेंटना है इसे। चाहे तो आप 10 या 15 मिनट इसे रख दें ताकि आपकी सूजी फूल जाए। 10 मिनट तक आपने साइड में रख देना था इसे। अब देखिए सूजी आपकी फूल चुकी है, बिल्कुल तैयार है आपका बैटर। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। ये देखिए आपका तेल बिल्कुल गर्म है। अब हमें इसे फैला देना है इस तरह से तवे पे। चाहे तो और पतला इस तरह से कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे आप साइज इसका ऊपर बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इस पे वेजिटेबल इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं ताकि वो सजावट में अच्छी लगे। एक्स्ट्रा आप ऐसे कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो आपकी विश है इस तरह से। इसके पकने का वेट करते हैं, जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो इसे पलट लें। एक साइड से ब्राउन हो गया तो हमें इसे इस तरह से पलट लेना है। अब दूसरी साइड को सिकने का वेट करते हैं। दोनों साइड से चेक कर लें कि सिक चुका है या नहीं। ये आपका दोनों साइड से सिक चुका है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, निकाल रही हूँ तवे से, सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल तैयार है आपका वेजिटेबल उत्पम। आप इसे सॉस के साथ, चाय के साथ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी में जरूर बताएं। आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो सजेस्ट जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।